तेरा ये आलू प्याज तरकारी मार जाएगी, तेरा ये आलू प्याज तरकारी मार जाएगी। बढ़ती महंगाई को लेकर सोमवार को कांग्रेस सेवा दल ने एक अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने गाना गाकर व नाचकर महंगाई का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्याज समेत कई घरेलू सामान को लेकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष यूपी कांग्रेस सेवा दल। आज आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? देखिए आज हम सब लोग आज यहाँ पे सोनिया गांधी का जन्मदिन, जैसा कि हर्षोल्लास के वातावरण में वर्षों से हम लोग मनाते रहे हैं, लेकिन आज जब उन्होंने उन्नाव, हैदराबाद और ये तमाम घटनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि आज हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे, तो ऐसे में हम लोगों ने निर्णय लिया कि राजनीतिक पार्टी की वो नेता हैं, राजनीतिक पार्टी से वो संबद्ध रही हैं, वर्षों से वो सेवा करती आई हैं, तो जनता के बीच में जाकर सरकार के प्रति उन चेताने को लोगों का काम करे कि आज किस कदर से बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी का वातावरण हिंदुस्तान में फैला हुआ है। बीते छः साल से जब से 2014 में ये सत्ता आई है, इस देश में काबिज हुई है, तो लगातार एक भी ऐसी वस्तु, एक भी ऐसी चीज, एक भी ऐसी जगह आप नहीं गिना सकते जहां पर महंगाई जिस किसी चीज की कम हुई हो। पेट्रोल डीजल की बात कर ले, सामान्य उपभोक्ताओं की भी बात कर ले, आलू प्याज भी महंगा हुआ, आटा दाल भी महंगा हुआ। आज कहते हैं लोग कि गांव में और शहरों में भी कहावत कही जाता है कि आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, तो इस सरकार के आने के बाद, मोदी जी के और योगी के आने के बाद, हम सब लोगों को, आवाम को आटे दाल का भाव पता चल रहा है, और आटे दाल का भाव और साथ साथ नौकरियां खोने का मलाल भी है। उन सब के विरोध में आज हम सब यहाँ पे गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। नागरिक संशोधन बिल को अभी मंजूरी मिली है, क्या कहना है? देखिए नागरिक संशोधन बिल को पूरी तरह से अगर संशोधन करना ही था तो संशोधित करके अगर पेश किया जाता, वर्ग विशेष को इससे दरकिनार करते हुए ये जो लाया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। ये हिंदुस्तान की परंपरा के साथ खिलवाड़ है, भारतीयता की परंपरा के साथ खिलवाड़ है। एक जो पूरे विश्व में होता है कि शरणार्थियों को किस तरह से शरण दी जाए, उन सब के साथ एक घिनौना मजाक है। कल को हम किसी देश को के लोगों को बुला नहीं सकेंगे, ना अपने हमारे देश कहीं गए तो उनको भेज सकेंगे। ये एक तरह से वैश्विक रूप से ये नई समस्या का जन्म लेने जा रहा है, और ये दुर्भावना और पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ ऐसा फैसला लिया गया। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।